बाई तरफ से। बाई तरफ से। ठीक है, बाई तरफ से, समझ गया। सुन लिया। बाई तरफ से। डॉक्टर चाहिए? मुझे तो नए फेफड़े लगवाने पड़ेंगे यार। कितना तेज दौड़े तुम, 30 सेकंड में 13 मील। लगता है सुस्त हो गए। सच ये बोलते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जाओ एक और चक्कर लगा करो। लगा भी दिया? अब तक तो एक और लगा ही लिया होगा। कौन सी यूनिट में हो? 58 पैरा रेस्क्यू, पर अब फौजियों की सेवा संस्था में हूँ। सैम विल्सन, स्टीव रॉजर्स। वैसे मैं समझ गया था, इतने साल बर्फ में रहने के बाद दिमाग जम गया होगा ना। हाँ, पिघलने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। तुमसे मिलकर खुशी हुई सैम। तुम ठीक से सो पाते हो? क्या कहा? तुम्हारा बिस्तर बहुत नर्म होगा ना। जंग में मैं जमीन पर सोता था, चट्टान को तकिया बनाकर, गुफावासियों की तरह। अब मेरा घर है, खुद का बिस्तर है। लगता है जैसे जैसे बादलों पर सो रहे हो और परियां तुम्हें चिल्ला रही है। वहां कब तक थे? 2 जंग लड़ी। तुम्हें तो पुराने दिन बड़े याद आते होंगे। हाँ हालात इतने भी बुरे नहीं है। खाना पहले से बेहतर है। हम तो हर चीज उबाला करते थे, अब पोलियो भी नहीं है। इंटरनेट कमाल की चीज है, सारी जानकारी मिल जाती है, पुरानी भी। पुराने गाने एक से बढ़कर एक नगमे, सुन लोगे तो सब कुछ पता चल जाएगा। वो सब जो तुमने मिस किया, क्या गाने थे। ये भी लिख लेता हूं। ठीक है सैम, पुलाव आ गया। दौड़ के लिए शुक्रिया, अगर इस टहलने को दौड़ना कहते हो तो। ये बात है। यही बात है। कभी मेरे ऑफिस आ जाना दोस्त, लड़कियों के सामने मेरी शान में भी 4 चांद लग जाएंगे। बस पहले खबर कर देना। जरूर, याद रखूंगा। ओके। हे हीरोज, तुम दोनों में से कोई जानता है म्यूजियम कहाँ पर है? एक गड़ा मुर्दा उखाड़ना है। हाँ हाँ, कर लो मजाक। क्या हाल है? बढ़िया। हर जगह दौड़ तो नहीं सकता ना। वो तो है।